संस्कृत दर्शन चैनल में आप सभी का स्वागत है। कारक प्रकरण चल रहा है, आज हम पंचमी विभक्ति के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो पहला सूत्र ले लेते हैं, पंचमी विभक्ति। ठीक है, पंचमी विभक्ति में एक सूत्र है, जनि कर्तुः प्रकृति। ठीक है, इसके बारे में हम बहुत गहन, जैसे हम हमेशा करते आए हैं वैसा ही इसमें अध्ययन करेंगे। इसमें देखिए, जनि कर्तु है और प्रकृति, समझते चलेंगे तो यहाँ कोई समस्या नहीं आएगी, बहुत ही सरल है। मैं दो सूत्रों के बारे में आज बताने का प्रयास करूंगा आपको। जो दो सूत्र हैं, ये मानिए कि एक जैसे ही हैं लगभग, तो इनमें थोड़ा सा भ्रम हो जाता है। जनि कर्तु का मतलब होता है जन्म के कर्ता के। अब के यहाँ क्यों लगाया गया, षष्ठी का प्रयोग है, कर्तु का की के, वो हम आगे का जो वाक्य होता है उसको देख करके प्रयोग करते हैं कि की लगाना है, का लगाना है, के लगाना है। तो या इसको देख करके यहाँ पर के लगाया है, वो मैं यहाँ बताऊंगा अभी, या इसको ऐसे भी लग सकते हैं, जन्म लेने वाले पदार्थ के। पंचमी विभक्ति है, जनि कर्तुः प्रकृति ही सूत्र है। अब यहां पर ये देखिए, प्रकृति प्रकृति का मतलब होता है कारण। थोड़ा सा जानेंगे फिर कोई समस्या नहीं होगी। छोटी सी बात बताता चलूं, ये जो प्रकृति है, कारण मैंने ऐसे ही नहीं लिख दिया। यदि आप कहीं ना कहीं कभी ना कभी या भविष्य में कभी पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ी है, कुछ लोग हैं जिन्होंने अध्ययन कर लिया है, कुछ ऐसे भी होते हैं जिन्होंने अभी शुरुआत है, उनकी अध्ययन नहीं हो पाया है, तो हम जब सांख्य कार्य का पढ़ेंगे तो वहाँ प्रकृति जो है वो मूल माना गया है और मूल को ही कारण माना गया है। तो यहाँ प्रकृति शब्द मूल है और कारण है। तो कारण दो प्रकार से होते हैं, एक होता है उपादान कारण, ठीक है ना, और एक होता है निमित्त कारण। इन दोनों को थोड़ा जान लें फिर हम आगे इसमें गति कर पाएंगे। उपादान क्या है? उपादान से तात्पर्य है कोई पदार्थ जिससे दूसरा पदार्थ निर्मित होता हो। निमित्त क्या है? जिस पदार्थ से कोई दूसरा पदार्थ निर्मित हो रहा है, जिसका निर्माण हो रहा है, उसको बनाने में, उसको निर्माण करने में जो सहायक होता है वो होता है निमित्त कारण। ठीक है, आप देखिए इसका थोड़ा उदाहरण बताता चलूं फिर हम आगे चलेंगे। क्यों बता रहा हूं मैं यूं इसमें, क्योंकि इसमें कभी कंफ्यूज हो जाता है कि उपादान कारण लेना है या निमित्त। इसमें दोनों ही कारणों का प्रयोग किया जाता है सूत्र के द्वारा। तो इसमें जैसे उदाहरण देता हूं, इसमें एक घड़ा है। घड़ा किससे निर्मित होता है? घड़ा मिट्टी से बनता है, मिट्टी से निर्मित होता है। तो मिट्टी क्या हो गया उसमें? उपादान कारण हो गया। ठीक है, अब उस घड़ा बनाने में कौन कौन सी चीज सहायक हो सकती हैं? देखिए, चाक जो होता है वो सहायक होता है। चाक को घुमाने वाला जो डंडा होता है वो मुख्य रूप से सहायक होता है। तो ये दोनों किसमें बन जाएंगे? ये निमित्त कारण में चले जाएंगे। ठीक है, तो निमित्त और उपादान, हम उम्मीद कर रहा हूं कि समझ में आ गए होंगे। उपादान जिससे कोई वस्तु निर्मित हो, और निमित्त जिसमें जो निर्माण करने में जो सहायक हो। तो यहां जो कारण है वो ये दोनों को ही यहां ग्रहण किया गया है। चलिए, अब उम्मीद है ये बात साफ हो गई होगी। तो यहां अब बात समझने की है, जन्म के कर्ता के कारण की। ठीक है, क्यों की क्यों लगा है हमने, अब समझ में आ जाएगा। जन्म के कर्ता के अर्थात जन्म लेने वाले पदार्थ के कारण की क्या होती है? अपादान संज्ञा होती है। ठीक है, किसकी संज्ञा होती है?
कर्ता के कारण की, जिससे जो चीज उत्पन्न हो रही है उस कारण की अपादान संज्ञा होती है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, फिर हम आगे चलते हैं। इसमें एक उदाहरण देख लेते हैं तो हम इसमें अच्छे से समझ पाएंगे। चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए, भ्रम से प्रजा उत्पन्न होती है, ठीक है। अब उत्पन्न हो रही है क्यों? प्रजा, प्रजा किससे उत्पन्न हो रही है? ब्रह्म से उत्पन्न हो रही है, है ना। तो ब्रह्म क्या हो गया है? ब्रह्म हो गया कारण। जब कारण हो गया तो किसकी अपादान संज्ञा हो गई? ब्रह्म की। ब्रह्म की अपादान संज्ञा होते ही अपादान पंचमी से पंचमी विभक्ति का इसमें प्रयोग कर लिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, ठीक है। ब्रह्मणः प्रजा प्रजायन्ते, बस एकदम दिमाग में बैठ जाएगा। पहले हमको अपादान संज्ञा ढूंढनी है कि किस शब्द की हम अपादान संज्ञा करें, उसके बाद पंचमी का उसमें प्रयोग करके सीधा वाक्य प्रयोग कर देना। चलिए हमें एक इसमें दो एक उदाहरण और देता हूं, फिर हम अगले सूत्र पर चलेंगे। बहुत ही सरल है ये दोनों सूत्र, ठीक है। देखिए, गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, होता है, होते हैं, ठीक है। अब गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं, ठीक है। तो यहां उत्पन्न या पैदा होने वाले क्या है? बिच्छू हैं। किससे हो रहे हैं? गोबर से हो रहे हैं। तो यहां गोबर क्या हो गया? कारण हो गया। किसका? बिच्छू का। तो यहां ये जो कर्ता है इसका ये कारण हो गया, तो क्या बन जाएगा? इसमें पंचमी व्यक्ति अपादान संज्ञा हो जाएगी। अपादान संज्ञा होते ही बन जाएगा ये गोमयाद वृश्चिका जायन्ते, गोमयाद वृश्चिका, गोमयाद वृश्चिका जायन्ते, सीधा इसमें प्रयोग कर लिया गया है। उम्मीद है ये सही से समझ में आ रहा हो। गोबर से बिच्छू उत्पन्न होते हैं, तो हमें क्या ढूंढना है? अपादान संज्ञा ढूंढनी है, उसके बाद में ये सीधा प्रयोग कर लिया जाएगा। अगला उदाहरण देखते हैं। पुत्र से आनंद होता है, ठीक है। अब पुत्र से आनंद हो रहा है, तो आनंद का कारण क्या है? पुत्र है। मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले चर्चा की थी कि उपादान और निमित्त। उपादान में मैंने दो उदाहरण शुरू के दिए थे, वो उपादान है क्योंकि कोई चीज किसी चीज से निर्माण हो रहा है, उसका कारण बन गई है वो। लेकिन यहां पुत्र आनंद का कारण तो है, पुत्र से आनंद तो होता है, लेकिन एक निमित्त मात्र है वो। कारण आनंद तो हमारे अंदर ही होता है, वो अंदर से ही उत्पन्न होता है, ठीक है। तो पुत्रात् आनंदः जायते, है ना, पुत्र से आनंद होता है। चलिए एक उदाहरण और देख लेते हैं। आसक्ति से काम उत्पन्न होता है और काम से क्रोध। थोड़ी सी बात है समझने की है इसमें। पहले देखना है हमें उत्पन्न होता है क्या? उत्पन्न होता है काम, ठीक है। अब काम उत्पन्न हुआ, उसके बाद किससे उत्पन्न हुआ? आसक्ति से। आसक्ति से हमारी समझ में आ गया। अब हम आगे चलते हैं इसमें थोड़ा सा और। तो
काम से, अब काम से क्या, काम से क्रोध उत्पन्न हो रहा है, ये पूरा वाक्य ऐसे ही है, ठीक है। तो यहां काम से और यहां आसक्ति से दोनों की कारण कारण हो गए और अपादान संज्ञा हो गई और पंचमी का इसमें प्रयोग सीधे सीधे हो जाएगा। तो संगात संगात संजायते कामा कामात क्रोधो अभिजायते, ठीक है ना। इस तरह से ये प्रयोग कर लिया जाएगा। चलिए हम अगला देख लेते हैं अब। चलिए अब दूसरा हम सूत्र देखेंगे इसी में। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल है ये दोनों। देखिए भुवा प्रभाव भुवा प्रभाव भू से, ये भू शब्द से बना है भुवा, अर्थात प्रथम प्रकट को भू बोला जाता है ना। तो यहां प्रथम प्रकट ही कह सकते हैं, प्रथम प्रकट, प्रथम प्रकट से तात्पर्य है इसके भवा का, है ना। अब प्रभाव क्या है, प्रथम प्रकट होने वाला स्थान। प्रभाव का मतलब प्रथम बार जो वस्तु जहां से प्रकट होती है पहली बार, वो स्थान प्रथम प्रकट वाला स्थान। इस जो ये जो सूत्र है भवा प्रभाव, ये मुख्य रूप से आपको याद दिला दूं मैं, ये हमेशा मैंने अब तक देखा है वो केवल नदियों से ही संबंधित रहता है। जहां से नदियों का उद्गम होता है, जहां से निकलती है पहली बार, जहां प्रकट होती है, वो स्थान से पंचमी का प्रयोग इस सूत्र से होता है भवा प्रभाव से, ठीक है। जैसे हिमालय से गंगा निकलती है तो हिमालय प्रथम स्थान हो गया गंगा का, तो हिमालय में पंचमी का प्रयोग कर लिया जाएगा, अपादन संज्ञा हो जाएगी। विंध्याचल से नर्मदा निकलती है तो विंध्याचल क्या हो गया, प्रकट वाला स्थान हो गया, प्रथम प्रथम स्थान हो गया जहां दिखाई देती है निकलती है, तो वो उसमें पंचमी का प्रयोग कर लिया जाएगा। वितस्ता नदी कश्मीर से निकलती है तो कश्मीर इसमें हो गया, अपादान संज्ञा उसमें हो जाएगी। तो इस तरह से मैं ये देखता हूं कि इसमें सीधा इसमें हो जाता। अब जो प्रथम प्रकट वाला जो स्थान है, इसकी अपादान संज्ञा होती है, ठीक है ना। भुवः प्रथम प्रकट से संबंधित है, भू मतलब होना, पहली बार होना, और प्रभव मतलब प्रथम प्रकट वाला स्थान जहां कोई वस्तु प्रथम बार दिखाई पड़े। चलिए हम इसके ज्यादा उदाहरण नहीं, मैंने बता दिए लगभग आपको उदाहरण, फिर भी हम इसको देख लेते हैं, है ना। चलिए हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है। अब देखिए निकलना हो गया, गंगा जो है वो पहली बार कहां दिखाई दे रही है, हमें हिमालय दिखाई दे रही है, तो हिमालय से क्या हो गया, हिमालय अपादान संज्ञा हो जाएगी, अपादान पंचमी से इसमें पंचमी का प्रयोग कर लिया जाएगा। तो क्या बन जाएगा, हिमवताहा। अच्छा हिमवताहा कर सकते हैं या हिमालयात, ऐसे भी इसमें प्रयोग हो जाएगा। हिमवताहा गंगा प्रभावती, ठीक है, बहुत सरल है, इसमें कुछ भी नहीं करना, बस ध्यान रखना है भुवा प्रभाव आ जाए तो नदियों से संबंधित उद्गम स्थान, पहले याद रख लो, उद्गम स्थान में ही सीधे अपादान संज्ञा हो जाती है, उसमें पंचमी का प्रयोग कर लिया था। हिमवता गंगा प्रभावती, ठीक। कश्मीर से वितस्ता निकलती है। अब देखिए यहां पर वितस्ता जो नदी है वो कहां से निकल रही है, वो कश्मीर से निकल रही है, तो उद्गम स्थान इसका क्या हो गया, कश्मीर हो गया, तो सीधे कश्मीर में पंचमी का प्रयोग कर दिया जाएगा। कश्मीरभ्यः
वित्तस्ता प्रभवति, ठीक है। उम्मीद है आपको ये बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। दो सूत्र थे, बहुत ही सरल थे, जनी कर्तु प्रकृति, जन्म के कारण की उसमें अपादान संज्ञा होती है, यहाँ नदी का जो उद्गम स्थल है जहाँ प्रकट प्रथम बार होती है उसमें इसमें पंचमी का प्रयोग कर लिया जाता है। आज के लिए इतना ही, नमस्कार, जय हिंद।